नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे केएम न्यूज चैनल के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है बांदी नगर पालिका के वाइस प्रमुख प्रदीपेन भाई पटेल। नमस्कार सर। सर, आप ये काम कर रहे हैं सफाई का, पाड़ी नगर पालिका अभी 5 दिनों से काम कर रही है। पाड़ी नगर पालिका के हर वार्ड के अंदर में वार्ड वाइज से कामगिरी चल रही है। आज वार्ड नंबर 4 के जो कामगिरी है, पाड़ी नगर पालिका का पूरा स्टाफ है, कोरोना वायरस के सामने स्पेशल डाइजेनेक्सो करके जो ये दवाई है, ये दवाई 1000 लीटर के पानी के टंकी के अंदर में एक बोतल डाला जाता है। इससे क्या होता है सर? इससे जो वायरस रहते हैं ना, कोरोना वायरस कोरोना भी वो मतलब इंसान को इफेक्ट नहीं करती होती। ये दवा वहाँ पे छिड़काव करेंगे जहाँ जहाँ पे हर कोई इंसान जो चीज़ को छूता है, जो छूने से फैलता है, तो वैसे हर चीज़ रहती है। जैसे आप देख सकते हो कि पाड़ी नगर पालिका की टीम जो है वो हर ऐसी चीज़ पे दवा का छिड़काव कर रहे हैं जहाँ पे इंसान उसको टच करते हैं, टच करने से जो वायरस है वो इंसान को लगता है। आज समझो कि 5 दिन से हमारी कामगिरी चालू है, तो पाड़ी नगर पालिका के टोटल 7 वार्ड है। 7 वार्ड में से 5 वार्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 6वां वार्ड नंबर 4 चाल चल रहा है, और साथ में जो 1 नंबर का थोड़ा बहुत काम बाकी है वो दूसरा ट्रैक्टर ऑलरेडी अभी चालू है वहाँ पे। इनशोर पाड़ी नगर पालिका के पास फिलहाल अभी 3 ट्रैक्टर है, और 3 ट्रैक्टर के थ्रू पूरा गाँव का कवर कर रहे हैं। आज अटूल गांव में भी कोरोना वायरस के महामारी रोग से बचने के लिए अटूल गांव के सरपंच श्रीमती पन्नाबेन देसाई और उप सरपंच हृदय देसाई द्वारा अटूल गांव के गली मोहल्ला और रोड के ऊपर दवाओं का छिड़काव किया गया। तो आप भी अपने घर और घर के आसपास की जगह को साफ करके अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे केएम न्यूज टीवी चैनल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे के साथ मैं रीता पटेल, गुजरात पल्सर से।